एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों आज चुनाव होते हैं तो केंद्र में किसकी सरकार 2024 के लिए क्या कहता है, एबीपी सी वोटर का सर्वे और इन 543 सीटों के लिए किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, हर एक राज्य की बात करेंगे और आखिर में आपको दिखाएंगे कितनी सीटें एनडीए यूपीए और अन्य के खाते में जा रही है। क्या एक बार फिर से सरकार बना पाएगी बीजेपी या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की वापसी होगी, तो होगी तो होगी, कितनी सीटों के साथ उनकी वापसी होगी, क्या यहां पर हैट्रिक की तरफ बढ़ पाएंगे पीएम मोदी या फिर कुछ नया यहां पर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से माहौल देश के अंदर फिलहाल है, कहीं ना कहीं अब क्या होगा ये सबके मन में सवाल है और इसके लिए ताजा सर्वे यहां पर एबीपी सी वोटर ने सर्वे दिया है इन 543 सीटों के लिए। जहां दोस्तों अगर बात करें तो एनडीए को नुकसान हो सकता है क्योंकि एनडीए से अब सहयोगी दल अलग हो गए हैं, इससे कितना नुकसान हो सकता है। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के आंकड़े आपको दिखा दें, इसके बाद पूरे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए के आंकड़े बन रहे हैं, तो विधानसभा के आंकड़े आपको दिखाएं तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो क्या केंद्र में भी नुकसान होगा क्योंकि राज्यों में बीजेपी की गिरावट देखने को मिल रहा है और जो औसत है वो 71 से 36% पर आ गया है। इसके बाद अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल बेहद ही चुनौतीपूर्ण बीजेपी के होगा और उसके बाद यूपी और अभी हाल ही में जो चुनाव होने हैं वो होना है बिहार के अंदर, तो क्या यहां पर बीजेपी पलटवार करेगी। अगर कुछ और आंकड़े आपको दिखाएं, 2014 में 282 सीटें बीजेपी जीती थी लेकिन 2019 में आंकड़ा 303 सीटें बना जबकि एनडीए को यहां पर 357 सीटें मिली जो कि अजय बढ़त रही है। इससे पहले टुडे कार्वी का भी सर्वे आया था 2024 के लिए क्या कहता है सर्वे, उसके आंकड़े आपको दिखा दिए। अगर वो आंकड़े आपने नहीं देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन आंकड़ों को देख लीजिए चैनल पर जाकर। लेकिन क्या कहता है 2024 के लिए एबीपी सी वोटर का सर्वे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर जो सरकारें हैं जो राज्य हैं उन पर जो सर्वे किया गया है कि राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो या बीजेपी के या अन्य दल के, वो कितने लोग उनके काम से संतुष्ट हैं, इसके बाद क्या आंकड़े बन रहे हैं केंद्र के लिए, वो भी आंकड़े आपको आके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी के लिए क्योंकि यूपी से ही होकर जाती केंद्र में सरकार और 80 सीटें यूपी के अंदर आती हैं और अगर यूपी में बीजेपी बढ़त ले लेती है या फिर जो गठबंधन था क्या एक बार फिर से गठबंधन बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले जो सर्वे है देखिए योगी आदित्यनाथ के लिए सर्वे आया है, 39% कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है जो उनकी योजना है और जो उनका कामकाज है उसको पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कहने वाले लोग हैं। लेकिन ठीक ठाक यानी संतुष्ट जो लोग हैं वो 26% हैं, नाखुश उनसे जो नाखुश हैं वो 35% हैं। जो आंकड़ा है उनका कामकाज का वो बेहतर यहाँ पर साबित हो रहा है सर्वे के अनुसार। इसके अलावा अगर केजरीवाल के आंकड़े आपको दिखा देंगे 59% बहुत अच्छा यानी संतुष्ट है उनसे और यहाँ पर नाखुश केवल यहाँ पर 17% लोग हैं उनके जो नाखुश हैं उनके कामकाज से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और यहाँ पर एनसीपी के साथ सरकार बनाई, तो क्या यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलेगा या अगर यहाँ पर एनडीए से अब अलग हो चुके हैं तो महाराष्ट्र की जो सीटें हैं उनमें कितना फर्क पड़ेगा एनडीए को, वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। देखिए महाराष्ट्र की जनता का फैसला है, बहुत संतुष्ट लोग हैं, 28% संतुष्ट 31 लेकिन नाखुश 41% जो आंकड़ा है वो नाखुश का है, नहीं जो कहीं ना कहीं गठबंधन इससे नाखुश रहे हैं जनता। इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल के लिए आंकड़े आपको दिखाएं तो बहुत संतुष्ट 67% लोगों का मानना है कि वो ममता बनर्जी के काम से संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट कहने वाले केवल 2% नाखुश 31% लोग हैं जो कि उनके कामकाज से नाखुश हैं। इसके अलावा देखिए राजस्थान के आंकड़े आपको दिखा दें तो 48% लोग मानते हैं जो वहां की सरकार है बहुत संतुष्ट उनके कामकाज से हैं, संतुष्ट 45% ना कुछ 27% यहाँ पर लोग राजस्थान से निकल कर आते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कमलनाथ सरकार जो है उनके कामकाज से लोग कितने संतुष्ट, देखिए बहुत संतुष्ट 18% ये गिरावट देखने को मिल रही है और संतुष्ट यहाँ पर 40% लेकिन ना कुछ 36% लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश से ऐसे लोग हैं जो कि कमलनाथ सरकार से नाखुश हैं। लेकिन हरियाणा के आंकड़े आपको दिखा दें तो हरियाणा के लिए जो आंकड़े हैं वो बीजेपी को चिंता में डाल सकते हैं क्योंकि देखिए आप 22% लोग कहते हैं जो काम है यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हैं उनका कामकाज बहुत संतुष्ट लोग 22% हैं, संतुष्ट केवल 23 लेकिन नाखुश ये आंकड़ा 55 पार है, ये कहीं ना कहीं सोचने लायक विषय बना है बीजेपी के लिए। इसके अलावा अगर आंकड़े आपको मोदी सरकार के कामकाज के दिखा दें, देखिए बहुत संतुष्ट लोग हैं
जो 56% लोग हैं, यानी 50% से ज्यादा यहाँ पर लोग उनके काम पास बहुत संतुष्ट हैं, कुछ हद तक संतुष्ट 24% है, नाखुश का जो आंकड़ा है वो 20% ही है। मोदी सरकार से लोग संतुष्ट हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उनके केंद्र में जो कामकाज का तरीका है उससे संतुष्ट हैं, लेकिन राज्यों में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा देखिए, पीएम की पसंद की अगर बात करें तो राहुल गांधी को 25% लोग मान रहे हैं कि वो पीएम बन सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार के लिए जो कामकाज है उनका और जो मोदी सरकार की जो लहर है वो 2024 में भी दौड़ सकती है, ये सर्वे कहता है। 70% लोग मोदी सरकार को फिर से पीएम के तौर पर देखना चाहेंगे 2024 में, दोनों को नहीं, अन्य जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनको 5% लोग मानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मोदी सरकार से किस एरिया में लोग कितने संतुष्ट हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 82% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो 78%, उत्तर प्रदेश 67 और जम्मू कश्मीर 60%, जो कि धारा 370 को हटाने का जो एक बड़ा कदम था मोदी सरकार, उससे लोग खुश हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो आंकड़े एबीपी सी वोटर के निकल कर सामने आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें मिल सकती हैं बीजेपी के लिए और क्या यहां पर नुकसान बीजेपी को किस राज्य से हो रहा है। देखिए यूपी की बात करें, आज चुनाव होते हैं तो 69 सीटें बीजेपी को जा रही हैं यूपी के अंदर, यूपी से अगर बात करें तो 80 सीटें निकल कर आती हैं और बीजेपी 2019 में लोकसभा में 64 सीटें जीती थी, इजाफा हो रहा है बीजेपी को, यानी कुछ सीटें बढ़ रही हैं, मतलब और भी फायदा हो रहा है यूपी के अंदर। बिहार के आंकड़े आपको दिखाएं तो 2019 में 39 लेकिन 36 तीन सीटों का बिहार के अंदर नुकसान हो रहा है। ये राजस्थान के लिए आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, 25 सीटें 2019 में लेकिन 21 सीटें, 4 सीट का नुकसान यहां पर सर्वे दिखा रहा है। इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करें तो 2019 में भी 7 सीट और आज चुनाव होते हैं तो 7 सीट एक बार फिर से बीजेपी ला सकती है। पश्चिम बंगाल बेहद ही यहां पर महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है, अब विधानसभा के दृष्टिकोण से देखें या फिर यहां पर लोकसभा के लिए, तो 18 सीटें 2019 में और 22 सीटें आज चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत सकती है। 28 सीटें अगर बात करें तो 2019 के अंदर मिली थी बीजेपी को मध्य प्रदेश से, लेकिन 25 सीटें फिलहाल यहां पर मिल सकती हैं। यहां पर अगर बात करें तो 3 सीट का नुकसान एमपी के अंदर भी बीजेपी को हो सकता है। गुजरात के लिए आंकड़े आपको दिखा दें तो 2019 में 26 सीटें और आज चुनाव होते हैं तो 26 सीटें एक बार फिर से बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो गठबंधन था बीजेपी और शिवसेना का वो अब टूट चुका है, इसके बाद बीजेपी को नुकसान है, 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ये नुकसान और बढ़ सके या फिर कम हो जाए, ये आंकड़े बनेंगे। असम के लिए आंकड़े, 9 सीटें 2019 में लेकिन आज चुनाव होते तो 10 सीट एबीपी सी वोटर के अनुसार एनडीए के खाते में जा सकती है, सर्वे कहता है। अब बात कर लेते हैं देश के अंदर किन मुद्दों पर यह सर्वे किया गया है। महंगाई देश के अंदर जो मुद्दा बना हुआ है 6.5% और भ्रष्टाचार 6.4%, बेरोजगारी अगर आप देखें यहां पर तो 17.1% है और पड़ोसी जो देश हैं उनका जो मुद्दा है 4%। इसके अलावा बिजली सड़क पानी का मुद्दा जो है वो 11% है। गरीबी देश के अंदर जो फिलहाल अगर बात करें तो 11.7% ये मुद्दा बना हुआ है। आतंकवाद यहाँ पर 4.6, सांप्रदायिक तनाव के अगर आंकड़े दिखाएं तो 1.6% यहाँ पर आंकड़ा दिखा रहा है, जिस प्रकार से CAA और NRC हो या फिर धारा 370 हो या कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका विरोध विपक्षी दल करते आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष का तो काम ही है सवालों पर यहाँ पर सवाल उठाना। लेकिन क्या आंकड़े बन सकते हैं 2024 के लिए, आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो NDA को 44% वोट शेयर फिर मिल सकता है और कह सकते हैं यूपीए के लिए अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो 25% पहले और 25% अब और 31% अन्य के खाते में और आज भी 31% वोट शेयर है। हालांकि गिरावट राज्यों में देखने को मिल रही है, लेकिन केंद्र के जो कामकाज हैं और केंद्र की जो योजनाएं हैं और केंद्र में जो वोट परसेंटेज है उसमें कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सीटों के लिए क्या आंकड़े बन रहे हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो ये आंकड़े एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार निकलकर सामने आ रहे हैं। एनडीए को
303 सीटें आज चुनाव होते हैं तो मिल रही हैं। एनडीए को आज भी 330 सीटें मिल रही हैं। 353 सीटें 2019 के अंदर मिली थी, मतलब कुछ सीटों का नुकसान है जो कि महाराष्ट्र में नुकसान है एमपी के लिए 3 सीटों का। इसके अलावा राजस्थान में जिस कार कांग्रेस की सरकार है तो वहां कुछ सीटों का नुकसान है, ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अन्य राज्यों में ज़्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं हो रहा है, सरकार यहाँ पर बनती नजर आ रही है, मोदी सरकार एक बार फिर से बन रही है। फिलहाल जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं यूपी के लिए क्या आंकड़े हैं, 96 सीटों से 130 सीटों पर आ रही है, जिनमें सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि फिर बदल शिवसेना का है। शिवसेना की वो 20 या 25 सीटें जो हैं वो यूपी के लिए सीधी तरफ से ऐड हो रही हैं, और यहाँ पर यूपीए सीटें तो बढ़ा रहा है लेकिन इतनी सीटें नहीं है कि वो सरकार में वापसी कर सके। अन्य के खाते में 93 से घटकर अब 83 सीटें यहाँ पर आ रही हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो, ये सर्वे है। और एक बार फिर से मोदी देश की पसंद है सर्वे, लेकिन यूपी की सीटें तो बढ़ रही हैं लेकिन इतनी सीटें नहीं है कि वो सरकार में वापसी कर सकें। लेकिन अभी काफ़ी टाइम है और आने वाले समय के लिए क्या आंकड़े बनेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आज चुनाव होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार और कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।